नहीं, अच्छा तू सबके लिए कुछ ना कुछ बोलता है, सबके लिए कुछ ना कुछ बोलता है, मेरे लिए कुछ बोल। तेरे लिए, तू तो मेरा जिगरी दोस्त है। हाँ, मेरे लिए कुछ बोल। कि मेरे दोस्त? हाँ, मेरे लिए, मैं चाहता हूँ कि तू मेरे लिए कुछ बोल। कि दिल तेरा धड़के? हाँ। तो धड़कन मेरी हो। वाह 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 करना है, कुत्ता खनी नहीं करना है, आदमी की तरह बोलना। बोल तू शायरी बोल। कि दिल तेरा धड़के? हाँ, दिल तेरा धड़के। तो धड़कन मेरी हो। वाह 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 वाह। आंसू तेरे गए तो आंख मेरी हो। वाह, दिल तेरा धड़के तो धड़कन मेरी हो, तेरी हो। हाँ, कि दिल तेरा धड़के तो धड़कन मेरी हो, आंसू तेरे गए तो आंख मेरी हो, खुदा करे अखनी दोस्ती इतनी गहरी हो। हाँ, कि लात तू खाए और गलती मेरी हो। ये तो गलत बात है। शिवेश जी कहाँ है? शिवेश जी इधर आइए, इधर आइए। ये खुरा पंडित जी लग रहे हैं। हाँ, शिवेश जी पंडित जी लग रहे हैं। शिवेश जी, हाँ, शिवेश जी को कुछ बताना चाह रहा है। मैं बहुत आश्चर्य की बात बताना चाहता हूँ। बताइए। बहुत आश्चर्य की बात क्या है? अरे यार, बहुत आश्चर्य की बात है। क्या है बहुत आश्चर्य की बात? मेरी मुर्गी ने अंडा दिया। आपकी मुर्गी? ये तो कोई बड़ी बात नहीं, मुर्गी तो अंडा ही देती है। आश्चर्य की बात नहीं है ना? ये तो आश्चर्य की बात नहीं, मुर्गी तो अंडा देती ही। आश्चर्य की बात नहीं है ना? तो आंख देकर दिखाइए। तो हम मुर्गी थोड़े ना है कि हम देंगे। तो फिर आश्चर्य की बात है कि नहीं? सही बात है। अच्छा शिवेश जी, जी इससे एक सवाल मैं पूछना चाहता हूँ, है ना? अच्छा मुझे एक बात बताओ, शिवेश जी के बदल पिछली बार तूने इनकी गर्लफ्रेंड के बारे में कहा था। हाँ हाँ हाँ, याद है। हाँ, क्या? तो अभी तू एक बात बता कि आदमी को शादी के पहले गर्लफ्रेंड रखनी चाहिए या शादी के बाद? शादी के पहले या शादी के बाद? हाँ, आदमी को शादी के पहले गर्लफ्रेंड रखनी चाहिए या शादी के बाद? शादी के पहले रखो या शादी के बाद, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, बस पत्नी को पता नहीं चलना चाहिए। ओके, ऐसा है। अच्छा सर, यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, हालांकि जो आज का कंटेंट था वो काफ़ी हो चुका है, लेकिन एक मज़ेदार बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपको भी पता है कि मैं मुंबई रहता हूँ, ये भी मुंबई रहता है, फिर हम लोग जब भी कभी कार्यक्रम होता है। रुपेश चंचल? हाँ, रुपेश चंचल भी रहते हैं कार्यक्रम। कितना पतला आदमी है वो। हाँ, पतला आदमी है। शादी मांग भरने की सजा पा रहे हैं वो। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, वो तुझे पता है उनकी पत्नी ने खून चूस लिया है। पागल, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। कितने सारे कैमरामैन आए हैं यार। हाँ, बहुत सारे कैमरामैन आए। ये क्या उड़ रहा है? ये ड्रोन है। मुझे लगा मोदी जी आए हैं। मोदी जी ने। अच्छा मैं आपको बताऊं कि ये मुंबई रहता है और वहाँ पर सरकारी नौकरी करता है, और मैं तो जब भी प्रोग्राम में आता हूँ शिवेश जी बुलाते हैं, हम लोग जाते रहते हैं, लेकिन तू मेरे को एक बात बता कि तू अपने बॉस से छुट्टी कैसे लेता है? मैं अपने बॉस को कहता हूँ। हाँ सर। क्या हो गया? सर मेरी सास मर गई। अच्छा, ऐसा बोलने पर क्या होता है? 10 दिन की छुट्टी मिल जाती है। फिर छुट्टी लेनी हो तो? सर। अरे अब क्या हो गया? मेरा ससुर टपक गया सर। फिर क्या होता है? 10 दिन की फिर छुट्टी मिल जाती है। अच्छा, फिर छुट्टी लेनी हो तो? सर मेरी सास मर गई सर। और फिर छुट्टी लेनी हो तो? मेरा ससुर मर गया सर। एक मिनट, कंफ्यूजन। हाँ बोलना। पहले तेरी सास मर गई। हाँ। फिर तेरा ससुर मर गया। हाँ। फिर तेरी सास मर गई। हाँ। फिर तेरा ससुर मर गया। हाँ। तो बॉस ने कुछ नहीं कहा? बॉस ने भी यही कहा। क्या कहा? तो फिर मैंने कहा। हाँ, क्या कहा? सर। हाँ। सास मरती है तो ससुर शादी कर लेता है, और ससुर मरता है तो सास शादी कर लेती है। अच्छा, ये कुंवारे लड़के बहुत अच्छे लग रहे हैं। कुंवारे लड़के बहुत अच्छे लग रहे हैं जो सामने हैं, मोबाइल चला रहे हैं, ऐसा लग रहा है नागमणी लेकर बैठा है। हाँ, अभी तुझे पता है बहुत सारे लोग चले गए, जाने दे, जाने वाले को कौन रोक सकता है। हाँ, तो उनके बारे में कुछ कह दे। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। अरे नहीं नहीं, अभी एक आदमी तो इसलिए चला गया क्योंकि उसका फोन आ गया था इतनी रात को। हाँ, इतनी रात को 2 ही लोगों का फोन आता है। किसका? एक तो उधार का। हाँ, या फिर जुगाड़ का। हाँ, लेकिन ये जो सामने हमारे चेहरे हैं, ये जो खूबसूरत से चेहरे, इनको देखकर, लड़कों को देखकर तू क्या कहना चाहता है? मैं कहना चाहता हूँ। हाँ,
कि आपकी ये सूरत बहुत प्यारी है। आपकी ये सूरत बहुत प्यारी है। खुदा ने ये सूरत बहुत प्यार से संवारी है। वाह, आपकी ये सूरत बहुत प्यारी है और खुदा ने ये सूरत बहुत प्यार से सवारी है। अगर आप कुंवारे हैं तो कुंवारे ही रहना, आप ही के चक्कर में ममता बनर्जी अभी तक कुंवारी है। चल अभी दूसरे कलाकारों को हम आने देते हैं थोड़ी देर के लिए। फिलहाल हम कहते हैं बाय लेडीज एंड जेंटलमैन। लेडीज, हाँ, एंड जेंटलमैन, एंड लेडीज। अच्छा, जिन्होंने मेरे चैनल को नहीं देखा है, कॉमेडियन राज सोनी नाम से आप देख सकते हैं। लेडीज बोल ना, लेडीज चली गई क्या? अभी आई थी, बहुत सारे सिंगर आ रहे हैं, बहुत सारे फिर से आने वाले हैं। बाय लेडीज एंड जेंटलमैन। एक मिनट। हाँ, कुछ रह गया सुरेश जी। हाँ, हाँ, हाँ। इसको समझता नहीं है। हाँ, बोल दे लास्ट क्या बोलना चाहता है। लेडीज एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए आप लोग। वाह वाह वाह। आइए।